Hello everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is Upendra Yadav. तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट के चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ अ लिमिट का अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है, तो उस लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था। फर्स्ट एग्जांपल था वो इस पूरी लेक्चर सीरीज का। एग्जांपल ये था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई x। इस फंक्शन का मैंने आपको डोमेन नहीं दिया था कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ठीक है। देन इसके बाद फिर मैंने आपसे ये पूछा था कि इस फंक्शन की वैल्यू आप लोग मुझे 1 पर 2 पर 3 पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन इन पॉइंट पर आप मुझे वैल्यू बताइए। तो आपने सिंपली क्या किया था, इन फंक्शन मतलब फंक्शन की वैल्यू थी ना वो मुझे बता दी थी। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे ये पूछा कि इस फंक्शन की वैल्यू मुझे 0 पर बताइए कि 0 पर क्या होगी, तो आप लोग किस तरीके से निकाल रहे थे, 2 × 0 / 0। अब यहां पर आप 0 से 0 तो कैंसिल नहीं कर पाओगे क्योंकि 0 / 0 कैंसिल नहीं होता, ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो यहां पर आप फंस चुके थे, मतलब आप मुझे 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू नहीं बता पा रहे थे। देन इसके बाद फिर मैंने आपको डिस्कशन कराया था कि इस फंक्शन की जो 0 पर लिमिट होगी वो क्या होगी। तो बेसिकली हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी फंक्शन की हम लोग मतलब वैल्यू किसी पॉइंट पर निकालना चाहे तो हो सकता है वो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड आ रही हो, लेकिन उस पॉइंट पर हम लोग लिमिट की बात कर सकते हैं क्योंकि लिमिट की बात हम लोग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन नहीं होती है, मतलब हम लोग उसके नेबरहुड की बात कर रहे हैं। वहां पर जो था तो हम लोगों ने 0 के नेबरहुड की बात की थी, हम लोगों ने ये नहीं बात की थी कि वैल्यू ऑफ अ फंक्शन f ऑफ 0 मतलब जो भी निकलेगा वो इस फंक्शन की लिमिट हो जाएगी, ना ना, ये तो बिल्कुल गलत है। हम लोग 0 के नेबरहुड की बात कर रहे थे, मतलब 0 - डेल्टा 0 + डेल्टा, और जो डेल्टा है ना वो थोड़ा सा भी कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है। तो जैसे ही अगर हम 0 से थोड़ा सा भी लेस देन लेंगे ना, तब भी हम लोगों को फंक्शन की वैल्यू मिल रही थी ना, मतलब फंक्शन की लिमिट मिल रही थी, ठीक है, तब भी हम लोगों को वो 2 ही मिल रही थी क्योंकि फंक्शन कौन सी वैल्यू ले रहा था, 0 - डेल्टा पर 2। इसी तरीके से 0 + डेल्टा पर फंक्शन कहाँ अप्रोच हो रहा था, 2 पर। तो इस वजह से मतलब वैल्यू ऑफ अ फंक्शन 0 पर तो हम लोग नहीं निकाल पा रहे, लेकिन हम लोग 0 के नेबरहुड की बात करके हम लोग 0 पर फंक्शन की लिमिट जरूर निकाल सकते हैं। तो हम लोग आज इस लेक्चर में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो फंक्शन है ना वो किसी एक पॉइंट पर, मतलब जिस पॉइंट पर आप लोगों को लिमिट पूछी जा रही है उस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड है, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म का आ रहा है, मतलब ∞/∞, 0/0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा 7 टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ना। तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस सर्टेन पॉइंट पर, तब भी हम लोग उस पॉइंट पर लिमिट निकालने की बात करेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, मतलब इस पॉइंट पर ये फंक्शन कहां अप्रोच कर रहा है। हम लोग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन की। और ये बात मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं कि हम लोग लिमिट के चैप्टर में वैल्यू ऑफ अ फंक्शन की बात कभी भी नहीं करेंगे। हम लोग क्या बात करते हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन मतलब फंक्शन कहां अप्रोच हो रहा है, मतलब फंक्शन किस एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ मतलब कन्वर्स कर रहा है, मतलब जा रहा है उसकी तरफ, जो आपको वैल्यू मिल रही है वो उसकी तरफ कन्वर्स होती दिखाई दे रही है। हम लोग इसकी बात करते हैं, ना कि हम लोग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन की। तो चलिए हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म किस टाइप की होती हैं, कौन कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनसे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरम भी हैं जैसे आपने पढ़ी भी होंगी, उसके एक्सटेंशन भी मतलब मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं आपके लिए, मतलब आपको बताने के लिए, तो इस वजह से वो थ्योरम थोड़ी ज़्यादा सी हैं। बाकी बिल्कुल जो भी थ्योरम है वो आइडेंटिकली मतलब सेम ही है, सारी मतलब सेम ही है, मतलब अगर आप देखोगे ना एक तरीके से उनका मीनिंग, तो वो सबका थ्योरम का सेम ही मीनिंग निकल के आएगा। तो जो भी बहुत सिंपल थ्योरम है और आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, एल हॉस्पिटल रूल तो आपने पढ़ा होगा ना। इंडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का ही तो यूज करते हैं, तो वो आपने बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। तो वही आप डेरिवेटिव करते हो न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का, देन इसके बाद फिर आप उसकी लिमिट निकालते हो। लेकिन कुछ थ्योरम भी हैं, तो उन थ्योरम को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो थ्योरम को डिस्कशन करने से ना जो आपका एल हॉस्पिटल रूल से जो कंसेप्ट है ना, जो उसका मीनिंग है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए हम लोगों को ऐसा, तो वो किस तरीके से होता है, ये आपको समझ आ जाएगा। तो इस वजह से हम लोग थ्योरम भी डिस्कशन करेंगे। तो इस लेक्चर में और आगे के लेक्चर्स में जो भी थ्योरम होंगे ना, हम लोग उन सभी थ्योरम को डिस्कशन करेंगे। देन इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कशन करेंगे।
और ये जो टॉपिक है ना वो इस लिमिट ऑफ अ फंक्शन का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कोई टॉपिक को डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि लिमिट ऑफ अ फंक्शन में हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कशन कर चुके हैं। फिर भी अगर कोई रह गई हो सकता है मुझसे धोखे से छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जो चैप्टर मैं शुरू करता हूँ उससे रिलेटेड IIT जैम मैथमेटिक्स का एग्जाम हो चाहे किसी और का एग्जाम हो, किसी भी मैथ्स के कम्पिटिटिव का एग्जाम, तो मैं सारी चीज़ें डिस्कशन करता हूँ। तो आप IIT जैम का भी पढ़ सकते हैं, बाकी और भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करें तो उसके लिए भी हेल्पफुल तो ये भी होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम लोगों को क्या क्या दिया गया है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोग शुरू करते हैं। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म किस टाइप की होती है, सबसे पहले तो मैं आपको एक थ्योरम बता देता हूँ। थ्योरम आपको जानी पहचानी है, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, मतलब पता नहीं कौन सा लेक्चर था लेकिन हम लोग लास्ट के जो भी लेक्चर हैं उनमें किसी न किसी एक लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो थ्योरम ये थी कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाई जी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग को ऊपर भी लिमिट अलग अलग निकाल लेते हैं और नीचे भी निकाल सकते हैं किस तरीके से, लेकिन उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। अगर g ऑफ x की लिमिट x टेंड्स टू a पर जीरो आ गई तो फिर हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x की जो लिमिट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। और क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों की लिमिट इन्फिनिटी आपको मिल जाए, नहीं, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx। तो इस तरीके से हम लोग f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x की लिमिट निकालते थे। ये थ्योरम आप लोग लास्ट के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर ये दोनों कंडीशन जरूरी हैं, ठीक है, और g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए x टेंड्स टू a के लिए, ठीक है। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इन दिस कोर्स वी विल डिस्कस अ मेथड नॉन एज एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर और अच्छे से डिस्कशन करेंगे किस तरीके से लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, इसमें या तो दोनों की लिमिट जीरो हो, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा 0/0, मतलब जैसे ही हम लोगों ने इनकी लिमिट निकाली f ऑफ x की एंड g ऑफ x की तो इन दोनों की लिमिट हम लोगों को क्या मिले, अगर 0 मिले तो ये क्या हो जाएगा 0/0 हो जाएगा। अब 0/0 तो अनडिफाइंड होता है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग लिमिट की तो बात करेंगे यहाँ पर, मतलब हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं अगर फंक्शन अनडिफाइंड भी है तब भी हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई तो तरीका होगा इसकी लिमिट निकालने का। तो देखते हैं आगे की स्लाइड में क्या दिया गया है कि किस तरीके से हम लोग इसकी लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट निकालने का वही एल हॉस्पिटल रूल होता है, ठीक है, तो वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ 0/0 की लिमिट कैसे निकालें, मतलब कैसे निकालते हैं ∞/∞, तो ये जो दोनों है ना 0/0 और ∞/ इनको हम लोग फंडामेंटल फॉर्म बोलते हैं ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि वैसे तो 7 टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं, जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ 7 टाइप की कौन कौन सी, 0/0, ∞/∞, 0×∞, ∞-∞, 1×∞, 0×∞ एंड ∞×0। तो ये 7 टाइप हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो ये 7 टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म की जो हम लोग लिमिट निकालते हैं वो एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके हम लोग इनकी लिमिट निकालते हैं। तो जो 0/0 है ना और ∞/∞, इनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फॉर्म ऑफ इनडिटर्मिनेट लिमिट, यहाँ पर मैंने आपको लिख के भी बताया है। और बाकी के ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, इनको हम लोग मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके कन्वर्ट करके हम लोग 0/0 और ∞/∞ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं 0×∞, ∞-∞, 1×∞, 0×∞ और ∞×0 अगर कहीं ऐसी फॉर्म आ रही है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको 0/0 और ∞/∞ में कन्वर्ट कर लें। देन इसके बाद अभी हम लोग मेथड पढ़ेंगे ना कि 0/0 और ∞/∞ की कैसे लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि द इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 की, 0/0 की हम लोग लिमिट कैसे निकालते हैं, उससे पहले हम लोग थ्योरम देख लेते हैं, ठीक है। थ्योरम के बाद हम लोग फिर एग्जांपल को डिस्कशन करेंगे। तो थ्योरम फर्स्ट ये है, यहाँ पर हम लोग जो भी थ्योरम डिस्कशन करेंगे वो बिल्कुल सभी थ्योरम सेम है, उनका जो मीनिंग है ना वो सबका सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा
थोड़ा थोड़ा सा ही उनमें डिफरेंस है, तो वो आप लोग इजीली समझ सकते हैं। तो थ्योरम फर्स्ट ये है, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन सच दैट, एफ और जी हमारे पास टू फंक्शन है, किस तरीके से कि उन दोनों फंक्शन की एक्स टेंड्स टू ए पर जो लिमिट है वो जीरो है, इसी तरीके से जी एक्स की भी जो एक्स टेंड्स टू सी पर जो लिमिट है वो क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर हम लोगों को दोनों फंक्शन की जो लिमिट है वो जीरो जीरो मिल रही है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन ये है, मतलब एफ डैश सी एंड जी डैश सी बोथ एग्जिस्ट, मतलब इन फंक्शन का पहले आप डेरिवेटिव कीजिए एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स, देन इसके बाद फिर एक्स इज इक्वल टू सी पर आप लोग इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए। यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, अभी अभी हम लोग लिमिट नहीं निकाल रहे, अभी हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे ना इजीली तरीके से एफ डैश सी एंड जी डैश सी, और ये जो दोनों वैल्यू मिलनी चाहिए ना वो दोनों एग्जिस्ट मिलनी चाहिए, मतलब एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। एग्जिस्ट करेंगे तो इसका मतलब फिर फाइनाइट ही ना, तो f dash c and g dash c both exist and g dash c not equal to zero, मतलब g dash जो c है ना वो not equal to zero होना चाहिए, zero नहीं होना चाहिए, then limit x tends to c f of x divided by g x is equal to f dash c divided by g dash c। यहाँ पर बिल्कुल सेम हम लोगों ने जो अभी थ्योरम डिस्कशन की थी ना ये वाली, इसी थ्योरम का यूज़ करके मतलब ये लिखा है, इसको इस वाली थ्योरम को हम लोग इस थ्योरम का एक्सटेंशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको थ्योरम नाम दे दिया था। तो अगर हमें इसकी लिमिट निकालनी हो, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट एक्स टेंस टू सी पर जीरो मिल रही हो और जी एक्स की लिमिट एक्स टेंस टू सी पर भी जीरो मिल रही हो, एंड एफ डैश सी एंड जी डैश सी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो, एंड g dash c is not equal to 0, then limit x tends to c f of x divided by gx is equal to क्या हो जाता है, f dash c divided by g dash c। तो आप लोगों को ये तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे ना, जो भी फंक्शन आएगा या फिर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आए वो आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो वही क्या हो जाएगी, f of x divided by g of x की x tends to c पर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है फर्स्ट थ्योरम। एक थ्योरम और देखते हैं, देन इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी थ्योरम देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एल हॉस्पिटल थ्योरम टू, मतलब सेकंड नंबर की ये थ्योरम है, ठीक है। तो सेकंड नंबर की थ्योरम ये है, सेकंड थ्योरम, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन, यहाँ पर भी दो फंक्शन है, किस तरीके से कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर है वो जीरो मिल रही है, इसी तरीके से जी एक्स फंक्शन की लिमिट है वो एक्स टेंड्स टू सी पर जीरो मिल रही है। एंड सेकंड कंडीशन, लिमिट एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स, यहाँ पर सी नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पर एक्स लिखा है, लिमिट एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एक्स टेंड्स टू सी पर अगर आपको एल मिल रही है। तो अगर किसी फंक्शन के लिए एफ एंड जी, किसी दो फंक्शन के लिए अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो रही है, फर्स्ट एंड सेकेंड, देन क्या है, लिमिट एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स भी इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो एक्स टेंड्स टू एल, एक्स टेंड्स टू सी पर एल होगी, ठीक है। मतलब इन दोनों फंक्शन की डेरिवेटिव करने पर जो लिमिट आप लोगों को मिल रही होगी ना एल, यहाँ पर हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स का और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ही तो लिखा है ना, तो डेरिवेटिव करने पर जो आप लोगों को लिमिट मिल रही हो, और लिमिट यहाँ पर तभी मिलेगी ना जब एग्जिस्ट कर रही होगी, मतलब जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लिमिट मिल रही होगी, तो मतलब यहाँ पर एल मिल रही है, तो जो एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी एफ जी डैश एक्स की एक्स टेंड्स टू सी पर लिमिट होगी, वही लिमिट होगी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स की, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम भी बहुत सिंपल थ्योरम है, मतलब बहुत ही सिंपल, इसमें मीनिंग तो कुछ है ही नहीं है समझाने के लिए कि मैं आपको मीनिंग समझाऊं कि देखिए यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स दिया गया है तो इसकी लिमिट अगर जीरो मतलब इस तरीके से है, देन एफ डैश एक्स जी डैश एक्स जो भी है, मतलब बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट दिया गया है। तो आप एक बार रीड करेंगे ना, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा कि इस थ्योरम का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, वैसे फालतू की बातें हो जाती हैं फिर। तो इस थ्योरम को आप फिर से पढ़िए, मतलब फिर से पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो ये दो थ्योरम थी, दोनों थ्योरम को आप एक बार फिर से देख लीजिए, देन इसके बाद चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी थ्योरम है, दो तीन थ्योरम और हैं, तो हम लोग उनको भी डिस्कशन कर लेते हैं, देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल्स को डिस्कशन करेंगे। फिर आपको वहाँ पर बिल्कुल भी बोर फील नहीं होगा, लेकिन थ्योरम इंपॉर्टेंट होती हैं, जरूरी होती हैं आपके लिए, तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश करूँ। तो थ्योरम में हो सकता है थोड़ा आपको बोर फील हो, मतलब अच्छा फील ना हो, क्योंकि थ्योरम ना एक तो प्योर मैथमेटिक्स लोगों को बहुत कम समझ आता है, तो इस वजह से और उनका पढ़ने का मन नहीं करता, ऊपर से थ्योरम उनका प्रूफ पता नहीं कैसे कैसे एग्जाम्पल होते हैं, कहीं भी कुछ भी होने लगता है। आप लोग ऐसा सोचते होंगे ना कि मतलब कहीं भी लेस देन एप्सिलॉन, मतलब कहीं भी ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी चल रहा है, ऐसा नहीं होता है, कुछ भी नहीं चल रहा होता है, वो एक फॉर्मल तरीके से मतलब होता है, मतलब डेफिनेशन की हेल्प से, ठीक है। तो
तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन सी थ्योरम है। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।